जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे MPTET, CTET, SSC, रेलवे, पुलिस या फिर ऑल एग्जाम, जहाँ पर भी भारतीय संविधान से बनने वाली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसे पहले क्वेश्चन के साथ में। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से ऑप्शन ए है नवंबर 1946 में, दिसंबर 1947 में, जनवरी 1948 में या फिर जनवरी 1950 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के गठन की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका गठन हुआ था नवंबर 1946 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नवंबर 1946 में गठन हुआ था, तो ये नवंबर जो शब्द आया है ये आपको याद रखना है। आगे एक दो क्वेश्चंस में और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया ठीक है नवंबर 1946 में, अब इसकी बैठक होगी, तो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 की, तो 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, कौन है या भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से चारों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया और इन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है या फिर कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यदि आपसे यह पूछा जाता है तो आपको राजेंद्र प्रसाद आंसर करना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पर आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम याद रखना है, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और यह स्थायी अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो भारतीय संविधान में कई प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जैसे कि प्रारूप समिति, वार्ता समिति, झंडा समिति, ठीक है, संविधान समिति आदि समितियों का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिसमें से प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता और भारतीय संविधान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पांच आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रेडक्लिफ योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी भारतीय संविधान योजना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर है सिक्स।
यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान तैयार होने में लगा समय है, भारतीय संविधान तैयार होने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 12 महीने 18 दिन, 3 वर्ष या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये तो आपका गलत है, ठीक है। 2 वर्ष 12 महीने 18 दिन की जगह यह 3 वर्ष 18 दिन लिख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, एग्जैक्ट समय आपको एग्जैक्ट टाइम याद रखना है, समय लगा थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, भारतीय संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ठीक है, रूस है, ब्रिटेन है और भारत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा प्यारा भारत जो है, हमारा संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, संविधान की मूल प्रति के लेखक कौन है, ठीक है, यहाँ पर संविधान की मूल प्रति के लेखक कौन है, संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे लोगों को यही यहाँ पर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखा है, लेकिन यह भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्हें भारतीय संविधान का पिता या फिर जनक कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी आदि बहुत सारे लोग थे जिनका दिमाग इसके पीछे, भारतीय संविधान के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो जिन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से लिखा है वो थे यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को लिखा है। यदि आप इंटरनेट पर सर्च करोगे भारतीय संविधान की मूल प्रति तो आपको उसके कई इमेज देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ उसमें आपको कई प्रकार के चित्र भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें जो चित्र अंकित किए हैं, जो चित्र बनाए हुए हैं, वे बनाए हैं आचार्य नंदलाल बोस, ऑप्शन सी इन्होंने बनाए हुए हैं चित्र। और यहां पर जो ऑप्शन बी है आंसर का करेक्ट हुआ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब इसे नया नाम है, कैसे याद करें, तो आपके रिश्ते नाते में या फिर मोहल्ला पड़ोस में किसी का नाम होगा बिहारी या फिर नारायण या फिर प्रेम, ठीक है, तो आप उससे लिंक कर सकते हैं कि प्रेम उसका नाम है या फिर बिहारी उसका नाम है, तो उसने जो है संविधान की मूल प्रति लिखी है, तो आपको यह बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा और यह आगे आने वाले समय में हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, हमारे संविधान किस दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमारा संविधान किस दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ये आपको बताना है। तो चार डेट यहाँ पर दी गई हैं, चारों डेट इंपॉर्टेंट है, सबको हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो आता है 9 दिसंबर 1946, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा जो 3 जून 1947 है, 3 जून 1947 को क्या हुआ था, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान पृथक संविधान सभा का गठन हुआ था और यहाँ पर जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 389 टोटल सदस्य थे और इसमें से कुछ सदस्य बाद में इसमें चले गए थे पाकिस्तानी संविधान सभा में, ठीक है, इसलिए सदस्यों की संख्या घटकर लगभग यहाँ पर 299 रह गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 3 जून 1947 को क्या हुआ था, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन हुआ था। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950, तो ऐसे तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949, ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि नवंबर आपको याद रखना है। तो हमारे संविधान में क्या हुआ था कि संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और यहाँ पर 26 नवंबर को विधि दिवस या फिर संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 26 नवंबर को यह जो संविधान है पूर्ण रूप से बन के तैयार हो चुका था और इसी दिन जो है संविधान में जो कितने सदस्यों ने 284 सदस्यों में, ठीक है, आप ऐसे नोट कर सकते हैं ये, ठीक है, लिख सकते हैं आप, एग्ज़ाम में हो सकता है ना पूछा जाए लेकिन आपको यदि ये मालूम रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 26 नवंबर 1949 को
को, और इसी दिन कुछ जो प्रावधान थे ठीक है उनको लागू कर दिया गया था। लेकिन इसे जो संविधान को आधिकारिक तौर पर लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर इसे लागू संविधान हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से ऑप्शन ए है 395, और यहाँ पर 395 ही करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भी भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, और इसकी संविधान की जब मूल संविधान है हमारा ठीक है उसमें भी 395 ही अनुच्छेद हैं। आने वाले समय में जो जब संविधान जो है यहाँ पर बनने के तैयार हुआ था, तो उसके बाद में कई संशोधन हुए, और लगभग अभी तक 130 लगभग यहाँ पर 130 संशोधन हो चुके हैं ठीक है भारतीय संविधान में। और जो है इसमें जो कई अनुच्छेदों को ऐड किया गया और कई अनुच्छेदों को उसमें से हटाया गया ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके जिन जिन सब जिन अनुच्छेदों को यहाँ पर ऐड किया गया वो उसके किसी मूल अनुच्छेद में ही उप अनुच्छेद के तौर पर ऐड कर दिया गया। जैसे यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, तो 51 के अनुच्छेद का में से ऐड कर दिया गया। मतलब यहाँ पर मूल संविधान में जिन अनुच्छेदों की संख्या है वो उतनी ही रखी गई, और इसके उप जो उप अनुच्छेद हैं उप अनुच्छेद के तौर पर इसे ऐड किया गया, तो उनकी संख्या बढ़ दी गई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 11 है। लिखा गया है यहाँ पर कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। इसके अलावा इसके हम सही आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में यहां पर 8 अनुसूचियां थीं जो समय के साथ यहां पर बढ़ के 12 हो चुकी हैं ठीक है। और यहां पर 8वीं अनुसूची की हमने बात की थी, वही जैसे यहां पर अनुसूची नंबर 8 है ठीक है, तो उसमें किसका भाषा का प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में ठीक है। तो कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 राज्य भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त है भारत में, और यहाँ पर जो राजकीय कामकाज की भाषा है वो हमारी हिंदी है। तो इस प्रकार आपको सभी अनुसूचियों को यहाँ पर याद रखना है, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको एक अलग से पृथक वीडियो लाई जाएगी जिसे आप देखना ना भूलें। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान को बांटा गया है टोटल 22 भागों में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर जो मुख्य मुख्य भाग हैं उसे हम देख लेते हैं ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ठीक है, भारत क्योंकि ये के जो राज्यों का संघ है इसलिए उसमें प्रावधान किए गए हैं जितने भी अनुच्छेद रखे गए हैं। तो जो भाग एक है इसमें 1 से 4 अनुच्छेदों को, चार टोटल 4 अनुच्छेदों को शुरू से रखा गया है, जिसमें कि यह बताया गया है कि भारत जो है यह संघ और उसका मतलब राज्यों का संघ है, और संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तित कर सकती है ठीक है। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होगी जो कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से विचार विमर्श करके निर्णय देगा। मतलब इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं राज्यों के संबंध में ठीक है। इसी के साथ जो दूसरा भाग है यहाँ पर लिखा हुआ है नागरिकता ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 11 अनुच्छेद जो हैं इसमें नागरिकता के संबंध में बात की गई है कि यहाँ पर भारत का नागरिक कौन होगा, उसका जन्म कब हुआ है, यदि उसका जन्म 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद हुआ है तो यह भारत का नागरिक होगा ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अनुच्छेद जो है प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो तीसरा है हमारा यहाँ पर भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, 12 से लेकर 35 जो है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद हैं इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों में टोटल कितने, 36 से 51 अनुच्छेदों को यहाँ पर रखा गया है ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्वों में 51वां अनुच्छेद है उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है, 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था ठीक है।
और जो भाग 9 है यह पंचायती राज्य से संबंधित है, और भाग 20 है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कल की वीडियो में हम इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिससे आपका यह टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ेगा। ठीक है, संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना है जो, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसी संविधान संशोधन के जरिए उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं जो है अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 17, ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता समाप्त की गई है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत होती है, ठीक है, उसे उसमें इसका अंत, जो संविधान में अनुच्छेद है 14 से लेकर 18, इसमें समता का अधिकार दिया गया है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति समान है, एक समान है, ना तो कोई नीचा है ना ही कोई ऊंचा है, मतलब इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें भी जो अनुच्छेद 17 है, इसमें छुआछूत का या फिर अस्पर्शता का अंत इसमें किया गया है। ठीक है, यदि आप अभी भी अपने गांव में जाकर देखोगे, ठीक है, किसी भी गांव में जाकर देखोगे, तो वहां पर यह अभी भी जो है छुआछूत चलता है, और कई लोग यहाँ पर गाँव से होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप लोग अभी इस प्रकार की यदि भावना रखते हो, छुआछूत की किसी भी प्रकार से कोई भावना रखते हो, तो आप लोगों को यह अधिकार ही नहीं है कि आप कहलाओ कि आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, इसलिए आप यदि छुआछूत की किसी प्रकार की भावना रखते हैं, तो उसका आज ही इस वीडियो के साथ उसका अंत कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जो, ठीक है, इन्होंने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय कहा है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो संविधानों का उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है, ये जो है मौलिक अधिकार हैं, जिनका यदि इनका हनन होता है, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वह व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अपना जो है यह वाद प्रस्तुत कर सकता है, उसे किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वह जा सकता है अपने अधिकारों के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 16 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारतीय संसद होती है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है कौन सा, लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और यह आनुपातिक पद्धति के अनुसार चुने जाते हैं, और प्रत्येक 3 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में एक तिहाई, प्रत्येक 2 वर्ष में, सॉरी, एक तिहाई सदस्यों को यहाँ से अलग कर दिया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों को बदल दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि यदि 90 सदस्य हैं, तो 2 वर्ष में 30 सदस्यों को बदल दिया जाएगा, और अगले 2 वर्ष में फिर 30 सदस्यों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, और अगले 2 वर्ष में फिर 30 सदस्यों को हटा दिया जाएगा, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, और इसके अलावा बात आती है कि राज्यसभा की वर्तमान में सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की जो सीटें हैं 250, ठीक है, 250 वर्तमान में सीटें हैं राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को आयु पूर्ण होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति यदि आप बनना चाहते हैं, कई लोगों का यह सपना भी होगा कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र होने के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो आपकी आयु यहाँ पर होनी चाहिए डी, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई पहले, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, यदि कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो राज्यसभा की तो हम पहले बात कर चुके हैं कितनी, 250 होती है, लेकिन लोकसभा की यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी दो ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं जिसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी 552। ठीक है, 552 लोकसभा की होती है और राज्यसभा की होती है यहाँ पर 250। आपको लोकसभा एवं राज्यसभा को विधानसभा या फिर विधायिका से कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि जो लोकसभा एवं राज्यसभा है यह किसका विषय है, यह संघ सूची का विषय होता है, और जो यहाँ पर राज्यसभा एवं विधानसभा होता है यह राज्य सूची के विषय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 552 व 250 जो है इसका सही आंसर होगा। यदि हम लोकसभा की बात करें तो हम सभी को, आम जनता को लोकसभा का चुनाव में मतदान करने की जो है अधिकार प्राप्त है, और राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है जिसमें आम जनता को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अब ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप इसे नोट करके रखिएगा तो आपको यह अच्छे से और ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी को, 1/1/2015 को। ठीक है, बात करें यदि हम नीति आयोग की तो यह योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, और यदि भविष्य में जो है प्रधानमंत्री हमारे बदल जाते हैं तो फिर वो आगे नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। संविधान में राज्य द्वारा कितनी आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान कराने का प्रावधान है। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3 से 9 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 6 से 20 वर्ष तक, या 6 से 14 वर्ष तक, या 4 से 14 वर्ष तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान में राज्य द्वारा मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यदि हम इस प्रावधान की बात करें तो यह 86वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, और 2002 में यह संशोधन किया गया था, और इसके अंतर्गत संविधान में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत नया अनुच्छेद ऐड किया गया था, किसमें, 21A में। ठीक है, 21A में ये नया अनुच्छेद यहाँ पर ऐड किया गया था, और इसमें जो है राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, इससे संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानूनों के तहत होगी। ठीक है, मतलब राज्य का विषय है ये राज्य सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 लिखा हुआ है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने, मतलब सभी क्वेश्चन में यहाँ पर 4 ऑप्शन ही दिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। यदि हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन 22 है लिखा हुआ है, भारतीय संसद बनी होती है, भारतीय संसद बनी होती है। तो यहाँ पर जो है संसद राज्यसभा से मिलकर, लोकसभा से मिलकर, राष्ट्रपति से मिलकर, या उपायुक्त, तीनों से। तो जो भारतीय संबंध संसद होती है इन तीनों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है 23 लिखा हुआ है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्दिष्ट किए जाते हैं। मतलब लोकसभा की अभी तक कितनी सीटें हमने पढ़ी थी, 552 सीटें देखी। ठीक है, ऊपर लोकसभा की, राज्यसभा की 250 देखी थी, लेकिन यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है, और राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन
समुदाय से यहाँ पर निर्दिष्ट किए जाते हैं या फिर चयन किए जाते हैं, तो दो सदस्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में रहते हैं, ठीक है, एक तो वो विदेशों में, या तो भारत का कोई भी नागरिक है जिसने विदेशी महिला से या विदेशी पुरुष से शादी की है, ठीक है, तो उनके बच्चे जो होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, या फिर कोई ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं विदेशों में रहते हैं, तो इसकी अलग अलग जो है निर्धारित किया गया है नागरिकता को कि कौन एंग्लो इंडियन कहलाएगा, कौन नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, श्रीमती मीरा कुमारी, श्रीमती सुमित्रा महाजन, नजमा हेपतुल्ला या फिर सुषमा स्वराज। तो यहाँ पर प्रथम महिला की बात हो रही है, ये आपको नोट करिएगा आप इसे कि मीरा कुमारी जो है ये प्रथम महिला स्पीकर है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यदि हम बात करते हैं दूसरी महिला स्पीकर की, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी महिला स्पीकर थी सुमित्रा महाजन और अभी तक ये अंतिम महिला स्पीकर भी हैं। ठीक है, और इनके बाद यदि कोई आगे बन जाए तो वो तीसरी महिला स्पीकर होंगी। अभी दूसरी और अंतिम जो महिला स्पीकर हैं ये सुमित्रा महाजन हैं। और यदि हम बात करते हैं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में महिला स्पीकर नहीं है, वर्तमान में है ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला जो है वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकतर यही इंपॉर्टेंट होता है, पहला, दूसरा और वर्तमान, ये जो तीनों होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर वो इंपॉर्टेंट होता है जिसकी कोई ना कोई विशेषता हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की बात करना हो जहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, और वर्तमान का या फिर किसी के समय में, किसी के कार्यकाल में कोई विशेष कार्य हुआ हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चारों जो है इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो सभी को पता होगा, प्रथम एवं अंतिम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, किरण बेदी पहली आईपीएस महिला ऑफिसर थी भारत की, और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, मुख्यमंत्री। अब सवाल ये भी आया होगा कि ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो किस राज्य की मुख्यमंत्री थी, तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। और सोनिया गांधी जो हैं ये कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 26 है, लिखा हुआ है किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ। मतलब पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा चुनाव था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से जो है चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर जो 14वें लोकसभा चुनाव थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूर्ण रूप से सभी स्थानों पर, सभी पोलिंग बूथ पर वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था मतदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पर सिद्धांत है, किस देश से क्या हमने अंगीकार किया है, क्या लिया हुआ है। ठीक है, हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान है जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किसमें है, भाग चार में। ठीक है, भाग चार में 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, और ये लिए गए हैं किससे, आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो जरूरत, तो मतलब हमारे लिए प्रावधान करने थे, तो विचार किया गया उस समय कि एक किस देश के संविधान में सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है दिए गए हैं, तो उस देश के संविधान से हम लेते हैं। तो ये एक सोच का विषय है कि उस समय जब ये संविधान, हमारा संविधान बन रहा था, तो किस प्रकार से दूसरे देशों के संविधान से इनको हमने लिया होगा। और सबसे पहले तो पत्राचार हुआ होगा अपने देश और दूसरे देश के बीच में कि भाई हम आपके संविधान से ये लेना चाहते हैं, हमारे लिए ये जो है सिद्धांत अच्छे लगते हैं, तो फिर मीटिंग भी हुई होंगी उस समय। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपने हिसाब से उसमें कुछ बदलाव भी किया होगा, उसके बाद में अपने संविधान में इन्हें रखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उनके संविधान से उठाया, उनके संविधान की नकल करके हमने अपने संविधान में रख लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने अपने हिसाब से इसमें बदलाव किया और अपने हिसाब से अपने संविधान में इन्हें शामिल किया है। ठीक है, और
यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन ए है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, तो प्रजातांत्रिक संसदीय जो संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है, तो ये हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने हमने यहाँ से न्याय प्रणाली ली है, ठीक है, जो अधिकारों विधायकों का न्याय संगत प्रणाली है वे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है, ठीक है। और कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से केंद्र और राज्य के जो बीच की जो शक्तियाँ हैं, राज्य को क्या शक्तियाँ प्रदान की जाएं, केंद्र अपने पास क्या शक्तियाँ रखे, ठीक है, किस प्रकार से भारत के राज्य क्षेत्र होंगे, ये हमने कनाडा के संविधान से जो है अपने संविधान में सम्मिलित किया है, ठीक है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्यों को अंगीकार किया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जब मूल संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यह अनुभव किया गया बाद में इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि लोगों को यदि अधिकार प्राप्त हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, ठीक है, देश के प्रति। तो यहाँ पर 51 काम है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, अनुच्छेद काम है, तो ये आपको याद रखना है कितने मौलिक कर्तव्य व्यक्ति हैं के, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन यहां पर जो 2002 संशोधन हुआ था 2002 में 86वां संविधान संशोधन, इसमें एक कर्तव्य और ऐड किया गया था, कौन सा, और इसमें यह कर्तव्य ऐड किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके माता पिता या अभिभावकों का यह संरक्षण को संरक्षक को जो है अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यदि कोई माता पिता हैं तो उनका यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह शिक्षा उपलब्ध कराए, ठीक है, यदि आपने उन्हें जन्म दिया है, यदि आप संरक्षक हो या फिर अभिभावक हो, तो यह आपका कर्तव्य है। इसके अलावा 21A में जो संशोधन किया गया था, जो अधिकार था, तो ये राज्य द्वारा ये एक अधिकार दिया गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ठीक है, राज्य के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 30 है, 73वां संविधान संशोधन यहाँ पर संबंधित है, तो यह पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आपने बहुत सी चीज़ों को आज सीखा होगा। ये था हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अपने आज आपको बताना है कि आलू प्याज एवं अदरक किसका रूपांतरण है, ठीक है, आलू प्याज एवं अदरक है यह किसका रूपांतरण है, जड़ का, तने का, शल्क पत्र का या फिर अपस्थानक जड़ है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर जरूर करें, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।